नमस्ते भाई, आज है हमारे साथ आशीष सिंह, जिनका सीजल 2023 में ऑल इंडिया रैंक है 19 और इनको पोस्ट मिली है ASO इन ME, जो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस थी और इनको वही इनकी जो ड्रीम पोस्ट एक बार में मिल गई। ये आज हमारे देश में जितनी भी गर्ल स्टूडेंट हैं या जो भी स्टूडेंट, चाहे वो बॉयज़ हों, SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि जो इन्होंने अचीव किया है वो हमारे देश में हजारों लाखों लड़कियां अचीव करना चाहती हैं, क्योंकि लड़कियों की पहली जो चॉइस होती है ASO इन ME या ASO इन CSS। अच्छा, ऐसा क्या खास है इन दोनों पोस्टों में जो ये लड़कियों की टॉप चॉइस होती है? मुझे दूसरों का नहीं पता, पर खुद के लिए ये पता था कि मुझे ऑफिसर पोस्ट चाहिए था। तो ऑफिसर तो CGL में बस ASO ही बन के आप कर सकते हो, या फिर इंस्पेक्टर की, जैसे ITI वगैरह। हाँ, लेकिन उसमें अगर मेरी रैंक अच्छी आ गई तो मुझे MEA में बाहर भी जाने का ये है, आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है। हाँ। इसलिए मैंने ASO इन MEA चूज किया। अच्छा, 2019 में आपका पहला अटेम्प्ट था CGL का, और 2023 में 19, 20, 21, मतलब आपको 3-4 अटेम्प्ट आपने दिए हैं CGL के। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा तैयारी से थ्रू आउट कनेक्ट करके रखी? आपकी तैयारी का मेन मोटिवेशन क्या था प्रिपरेशन का? जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो मेरा ड्रीम। मतलब मैं ऐसे ही किसी को देख के, या फिर होता है कि आज मैंने एक वीडियो देखा या शॉर्ट्स, तो तुरंत SSC का तैयारी करने लगते हैं, फिर तुरंत देखा मुझे UPSC करना है। मैं किसी से देख के या फिर कॉपी नहीं करता, ये ड्रीम मेरे को 8-9 से था कि मुझे ऑफिसर बनना है। और मतलब CGL के थ्रू SSC के एग्जाम क्लियर करके मुझे अच्छी पोस्ट पर जाना है। तो एक तो वो, और मैं सब कुछ से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ पर अपने ड्रीम से नहीं। हाँ। तो मुझे अपने हार्डवर्क पे पूरा भरोसा था कि आज नहीं कल तो मैं लूंगी। ओके, अच्छा, आप प्रॉपर हिंदी मीडियम से हैं? हाँ, प्रॉपर हिंदी मीडियम से, बिहार से, बिहार बोर्ड से। हाँ। तो हिंदी मीडियम में रहते हुए SSC CGL की तैयारी में कुछ दिक्कतें आई, या आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा रादर देन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो इंग्लिश का ये होता है, वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है अभी। हाँ। भी जैसे कि अभी भी इंग्लिश का ही वेटेज सबसे ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है, तो इसलिए आपको इंग्लिश मीडियम से जो होते हैं, CBSE से होते हैं, उनका RC वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, लेकिन हमारा वो नहीं होता। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स लगाने पड़े वो इंग्लिश के लिए ही लगाने पड़े थे। अगर आप प्योर हिंदी बैकग्राउंड से हो, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि आप बार बार मतलब इंग्लिश में आप कहाँ से कर पाओगे? अगर आप यूट्यूब वगैरह में जाओ तो वही न्यूज़पेपर पढ़ो, ये करो, अब भाई हो नहीं रहा तो हम क्या करें। अच्छा, जैसे हमने सुना है कि बिहार बोर्ड में ABCD 5th क्लास से सिखाया जाता है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बात है। हाँ, ये बिल्कुल झूठ बात है। ये है कि इंग्लिश पे एकदम मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि अब जैसे हो रहा है, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सब कुछ, अब इंग्लिश में ही है, आप कहीं भी जाओ सारा पेपर वर्क गवर्नमेंट में वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही है, चाहे कोर्ट्स में हो, चाहे आपके डिपार्टमेंट में हो, थ्रू आउट सारा काम इंग्लिश में ही होना है। मेन प्रॉब्लम है कि जब बचपन से इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड वालों को फ़ायदा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, सेंटेंस पैसेज पढ़ के उसका पूरा मीनिंग वो सब आसानी से जान लेते हैं। हिंदी मीडियम वालों को इस पर भी काम करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो बच्चे बार बार कहते हैं ना, सर हमारी इंग्लिश बहुत ख़राब है, इंग्लिश के क्या इंग्लिश के बिना सिलेक्शन हो जाएगा, सर मैथ में पूरा ले आऊँगा तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ, अगर आपका सिलेक्शन गलती से हो भी गया, चलो कम इंग्लिश पढ़े, उसके बाद भी आपको डिपार्टमेंट में जाके बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। आप अच्छे से काम तभी कर पाओगे जब आपको प्रॉपर इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, समझना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आती और आप अंग्रेज बन जाओ, लेकिन गवर्नमेंट का अगर कोई डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर आया हुआ तो आप उसको पढ़ के उसका मीनिंग निकाल के अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके समझ पाओ। कम से कम इतनी इंग्लिश तो हर बच्चे को आनी ही चाहिए। फिर वोकैबुलरी कैसे तैयार की? वोकैबुलरी वाला सेक्शन भी बहुत वीक होगा स्टार्टिंग में। हाँ, बहुत क्या मतलब बेसिक छोड़ के और कुछ मैं बता दे रही हूँ कि इंग्लिश का मेरा वही था। हाँ। तो मैंने स्टार्टिंग में तो पहले MB का आता था बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। हाँ। वो सारे वोकैबुलरी के लिए मुझे नहीं लगता कुछ इसमें ज़्यादा लगाने की जरूरत है, इसमें सिर्फ रट्टा मार वाला वो कहानी होता है, उसमें आप एक रेगुलर बेसिस पे करते जाओ, और रिवाइज बहुत ज़रूरी है वोकैबुलरी में। तो उसके लिए पहले तो मैंने MB के बुक्स ख़त्म किए, और उसके बाद इधर अभी 1-2 साल पहले जो ब्लैक बुक आया है। हाँ। तो ये भी मैंने ख़त्म किया है। आजकल ना बहुत ट्रिक बना के भी वोकैबुलरी याद करवाते हैं, निमोनिक्स से भी याद करवाते हैं, ये यूज़फुल हैं चीज़ें जो करवाते हैं या जो करते हैं उन, मैंने नहीं किया। और मैं समझती हूँ कि अगर 1-1.5 घंटे का कोई वीडियो है, उसमें अगर आप 10-15 स्पेलिंग मीनिंग कुछ देख रहे हो,
तो मुझे लगता है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ही है मेरे हिसाब से, ऐसे लगता है कि ये तो इतना देर में आप ये करोगे, अब एक एक घंटा में आप 10 स्पेलिंग मीनिंग कर रहे हो, 15 मीनिंग कर रहे हो, तो काम कैसे चलेगा? आपको इतना सारा कम से कम 5000 तक का आपका ये कलेक्शन है, कलेक्शन होना चाहिए। बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं अक्सर कि एक जैसे आपने 4 अटेम्प्ट लगे, आपको आपके इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करके पूछेंगे 6 महीने में मैम SSC CGL कैसे निकालें, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या जवाब है? और मेरा मैथ बहुत वीक है और इंग्लिश तो मैंने कभी पढ़ी नहीं और GS मुझसे याद होती नहीं, और जी 6 महीने में जो कैसे निकालें? मैं जो भी फ्रेशर्स हैं या फिर जिनका 2-3 बार हो, मतलब 2-3 साल से कर रहे हैं प्रिपरेशन और उनका अभी तक नहीं निकला है, मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से ये गेन किया है। 2019 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने बताया कि इससे पहले मैं 2 जॉब ले चुकी है लेकिन 24-28 GP, तो अभी मेरे को समझ में आता है जब मैं एक्सपीरियंस करती हूँ तो, कि अगर आप नए हो या फिर 2-3 साल से पढ़ते भी आ रहे हो, अगर आप चाहते हो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप प्रॉपर एक कोचिंग ले लो, मतलब कोई कोर्स ले लो, कोई कोर्स ले लो, सब्जेक्ट वाइज कोर्स ले लो। क्यों? क्योंकि उसमें सारे चीज जो PDF वगैरह आप 2-2 घंटा सर्च करोगे या फिर मैं ऐसे ही देख लूंगा, या सेल्फ स्टडी का वो जो ईगो वाला ये आ जाता ना कि ईगो हमारा हर्ट ना हो जाए, मैं सेल्फ स्टडी से ही क्लियर करूंगा, बिल्कुल नहीं करना, एकदम रिस्क नहीं लेना इस मामले में, मैं ये सजेस्ट करूंगी सबको। और वहां से सिलेबस पूरा करके तब चाहे आप जो करते रहे, सबसे बेसिक चीज वही है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना। हाँ, क्योंकि टीचर का काम ही होता है कि कंटेंट को फिल्टर करना, जो पेपर में आ रहा है खुद रिसर्च करना, और बच्चों के सामने वही चीज लाना जितनी उनको जरूरत है। और वही काम आप करोगे, टीचर वाला काम भी आप खुद से करोगे, तो आप तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, और दूसरा अपने आप से तो आप ट्रिक पैदा नहीं कर पाओगे, उसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और आप स्टूडेंट हो तो इतना टाइम देना, कहीं भी इतना टाइम वेस्ट करना आप अफोर्ड नहीं करते, आप सिर्फ आपको चाहिए कि सब कुछ मिल जाए, और अभी तो ऑनलाइन हो गया है इतना अच्छा, तो काफी ये हो चुका है, तो आप मतलब सब कुछ एक्सेस अपने पास रखो। मैं आज भी सोचती हूँ कि अगर मैं पहले से ही कोर्स वगैरह ले लेती 2019-20 में, तो शायद मुझे उसी टाइम में मैं, मतलब मेरे 2-3 साल वेस्ट नहीं होते। और तो वो आपने सेल्फ स्टडी से दोनों अटेम्प्ट दिए 2019 में और 20 में। भाई मेरा हमेशा मतलब वो कि नहीं तुम ले लो, उसी ने ही आपके बारे में को फर्स्ट टाइम बताया था। अच्छा, तो उसके बाद आपने फिर ये 0 to Hero वाला बैच कब लिया? मैंने CGL 2020 के बाद लिया है, CGL 2020 के बाद। फिर आपने वो पूरा बैच पढ़ा, लाइव क्लास आप लेती थी कि रिकॉर्डिंग क्लास में पढ़ती? मैं लाइव क्लास कभी नहीं ले पाती थी, रिकॉर्डिंग में मोस्टली, मतलब 2-3 बार होगा, बाकी सब हर टाइम मैं रिकॉर्डिंग ही करती थी। खुद ही एनालिसिस करके देखती हूँ कि मैं 2019-2020 में भी क्वेश्चन बनाती थी, लेकिन ये फ़र्क होता है, मतलब अगर आप पढ़ लेते हो किसी से, कि वही क्वेश्चन आप बना रहे हो 3 मिनट में, ये मिनट सेकंड से ही तो आप मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं ना आपके एग्जाम में। इस बार वही तो हुआ है, इतना कैलकुलेशन आया था, और वही अगर आप पढ़ लेते हो, जैसे CI जो आपने पढ़ाया था, मतलब मैं अभी तक उसका ये हूँ, मेरे को बहुत बहुत इतना तरीके से आपने बताया था, ट्री मेथड से ये वो, मतलब 4 साल का देते, हाँ 5 साल का देते, वो हम डरने वाले नहीं है, फिर वो ऐसे बना बना के ट्री मेथड ही वो कर लेते हैं कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन। मेरा वही वो जो क्वेश्चन 3 मिनट में पहले बनता था, ये अब मेरे को फिर कुछ मतलब 1 मिनट में ऐसे बनने लगा, या फिर 50 सेकंड या 60 सेकंड में ऐसे बनने लगे, तो ये होता है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा लेकिन रिजल्ट में दिखेगा। नोट्स साथ के साथ बनाते थे आप? नोट्स मतलब जैसे मैं बहुत अच्छे से नोट्स नहीं बनाती थी, लेकिन जैसे PDF वगैरह आपका जो आता था उसका प्रॉपर, मतलब मैं ऑनलाइन ही फोल्डर बना दिया, उसमें रखा हुआ है, और जैसे सारे, जैसे एक क्लास में आप 20-25 क्वेश्चन कराते हैं, तो 20-25 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपके लिए एकदम हार्ड होते हैं, बाकी 18-19 ऐसे होते हैं जो आप देख के ये करो हाँ हाँ ये ठीक है एक बार देख ले ही हो जाएगा, लेकिन वो जो 4-5 क्वेश्चन है जो एकदम ये तो पहली बार देखा है मैंने ये, और बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, तो वो क्वेश्चन आप अपने नोट्स में उतार लो। मैं ऐसे ही करती थी, नोट्स में उतार लेती थी, फिर नेक्स्ट दिन क्लास किया तो मेरे को फिर 25 क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता था, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन जो एकदम हार्ड जैसे मेरे को लगे थे पिछले क्लास में, वो मैं देख के मेरा मतलब अगली क्लास में पिछली क्लास को थोड़ा रिवाइज करके आते थे थोड़ा। यही तो नहीं करते लोग, मैं स्टार्टिंग मतलब ऐसे वीडियो, मतलब मोबाइल रखा उसके पहले ऐसे पलट के देख ले, क्योंकि 4-5 ही क्वेश्चन ही होते थे, कभी कभी तो 2-3 क्वेश्चन ही होंगे पूरे क्लास में आपको जो लगेगा एकदम हार्ड है, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा, तो बस पीछे वाला देख लो और थोड़ा थोड़ा समझ लो, तो उससे आपका थोड़ा सा फिर से ही हो जाता ना, फिर नेक्स्ट क्लास में आप देखो। अच्छा, बैच ज्वाइन करने से पहले और खत्म करने तक, खत्म करने के बाद कितना फर्क आया आपको आपके मैथ्स की अप्रोच में? बहुत ज्यादा आया है, बहुत ज्यादा है। हाँ, ये मैंने बताया ना कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, यही 3 मिनट वाला एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और वो 3 मिनट से आपका ड्यूरेशन 1 मिनट पे जा रहा है,
और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये जो मतलब आपका जो बैच था जिसमें हार्ड वाले क्वेश्चंस भी आपने कराए, लास्ट में हर चैप्टर का आप कराते हो उसका, मिसेलेनियस भी करवाता हूँ मैं एंड में, तो इसका बेनिफिट मेरे को इस टाइम जब मैंने दिया था मेंस, तो उसमें तो बहुत कैलकुलेशन आ गया था, बहुत कैलकुलेटिव आ गया था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पहले 2 मिनट सांस लेके रुक जाओ इस चीज से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी मैं करी हुई थी, मेरे को था अंदाजा। तो फिर 2 मिनट रुक के तो मैं ऐसे नहीं लगा कि अरे मैंने तो एकदम हल्के हल्के कराया, ये तो एकदम ऐसे आ गया, हाँ, हाँ। नहीं था मेरे को, मैंने किया है, मैंने किया है, आसी बकाने नहीं है, ऐसे करके मैंने खुद को स्थिर किया 2 मिनट, उसके बाद फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने 28 क्वेश्चन बनाए थे, 28 सही गया। अरे वाह। रीजनिंग के लिए आपने अलग से टाइम दिया था कि मैथ्स के साथ या मॉक टेस्ट से तैयार हो गई? मेरे मॉक टेस्ट से तैयार हो गए थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो एकदम फ्रेशर्स है जिसको रीजनिंग वगैरह के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैं सिर्फ जो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो फ्रेशर्स हैं जो स्टार्टिंग से आए हैं एकदम नए फील्ड नए हैं SSC के फील्ड में, तो वो कोई भी किसी भी टीचर का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने किया नहीं है, एक कोर्स ले लें। मैंने क्या किया था, रीजनिंग मेरा ठीक था, एक्चुअली मैथ ठीक था ना, तो थोड़ा रीजनिंग भी अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसका मैथ अच्छा होगा उसका रीजनिंग अपने आप अच्छा होगा। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आजकल ना जैसे TCS ना पेपर बहुत कैलकुलेटिव बनाना शुरू कर दिया, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर बना देता है, और जैसे प्री के पेपर में 40-42 शिफ्ट बनती हैं, 2-3 शिफ्ट हमेशा ऐसी होती है कि जो ओवर कैलकुलेटिव होती हैं, तो कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बच्चे डिमांड करते हैं सर कैलकुलेशन की ट्रिक बताओ। मैं कोई बैच में कोई कैलकुलेशन की ट्रिक वगैरह तो बताता नहीं हूँ, मैं सवालों से ही कैलकुलेशन सिखाता हूँ, ऑप्शन से, अप्रोक्सीमेशन से, यूनिट डिजिटल सम, परसेंटेज को कैसे ब्रेक करना है, गुणा कैसे ब्रेक करके करनी है, मैं यही सब सिखाता हूँ। आपने कैलकुलेशन के लिए कुछ अलग से काम किया कि पढ़ते पढ़ते बैच में सवाल प्रैक्टिस करते करते तैयार हो गई? कैलकुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, मुझे ऐसा लगता है वो जो ट्रिक जो हम याद करते हैं ऐसे करके, हाँ। मैं सबसे पहले वही ट्रिक भूल जाती हूँ, उस ट्रिक को जितना देर में मैं याद करूंगी उतना में मैं नॉर्मल से कर लूंगी, तो मुझे उसमें लगता है प्रैक्टिस, मतलब होता है कि हाथ बैठा हुआ रहना चाहिए आपका, आप रेगुलर, मुझे लगता है मैं थोड़ा मतलब बेवफा जैसा है, जैसे ही आप छोड़ोगे वो आपको छोड़ना स्टार्ट कर देगा, हाँ। उससे आप टच में रहो एग्जाम तक, स्टार्टिंग से एग्जाम तक उससे आप टच में रहो। आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे कि अपने रूम पे ही रह के पढ़ते थे? नहीं, मैं पढ़ने के लिए मतलब मैं तो एक मतलब नवादा जिले से हूँ, वहाँ से मम्मी पापा ने मेरे को पढ़ने के लिए पटना भेजा था, हाँ। वहाँ मैं सिंगल रूम में मतलब रहती थी, तो मैं लाइब्रेरी कभी ज्वाइन नहीं किया, उसी रूम में बंद रहती थी दिन भर, वही मेरा सब कुछ था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल नहीं, मैं मतलब मैं ऐसे छोटे छोटे ये बना के रखती थी रूल्स कि, हाँ आपने मतलब, टेबल के आगे लगाया था वो पेपर पे लिख के रूल्स नंबर 1, 2, 3? नहीं नहीं, ये मन में मुझे पता नहीं, ये सब चीज़ थोड़ा दिखावा लगता है मुझे, थोड़ा ज़्यादा सोच ये कि कोई आके देखे ना, मुझे थोड़ा प्राइवेसी वो ठीक थी कि मैं अपने अंदर में, मैं ये भी नहीं बोलती थी सबसे हाँ मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, मतलब ठीक है जान रहा है तो ठीक है, तो मैं ऐसे मन में सोचती थी मेरा सीजल क्लियर हो जाएगा, मैं ऑफिसर बन जाऊंगी तो मैं इंस्टा ओपन करूंगी। अच्छा। फेसबुक तो मैंने अभी तक नहीं किया, इंस्टा मैंने जब 2019 मैंने क्लियर किया, फिर मैंने इंस्टा ओपन किया, तो अब अगर ये हो जाएगा तो फिर मैं ट्विटर पे आऊंगी, फिर ये हो जाएगा तो मैं पार्लर जाऊंगी, तो मैं ऐसे छोटे छोटे ये करके रखती थी खुद ही में मन में। ये चीजें मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। बीच बीच में जब बोर हो जाते थे लंबी आवर्स की स्टडी से या बहुत ज्यादा रट्टा मार लिया वोकैबुलरी में या इंग्लिश में, तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, क्या सोचते थे, फिल्म देखते थे या वॉक पे चले जाते थे? 5 साल से मैंने कोई मूवी वगैरह कुछ भी नहीं देखा, मूवी सॉन्ग ये सब मेरे लिए बहुत दूर हो गया था, मैं क्राइम पेट्रोल देखती थी मेरे को काफी पसंद, वो एक एपिसोड मैंने देखा और मम्मा से बात करती थी, मेरी मम्मी और अपनी सिस्टर से मैं बहुत ज्यादा मतलब टच में हूँ, तो वो उन दोनों से बात करती थी और बाकी एक एपिसोड देख लिया मैंने क्राइम पेट्रोल और उसके बाद खत्म। ऐसा क्या पसंद आता था क्राइम पेट्रोल में? वही नई नई तरीके से नई नई तरीके से क्राइम और मर्डर होते थे उसमें तो मैं वो देखती थी, मूवी वगैरह बिल्कुल भी नहीं, जैसे हॉटस्टार अभी मैं, मेरा रिजल्ट अब हुआ है तो नेटफ्लिक्स तो मैंने अभी भी शायद नहीं किया है, अब मैं करूँगी, लेकिन मतलब अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं करूँ मतलब एक्सप्लोर करूँ, मैंने ऐसे आप समझ सकते हो कि चार मतलब लोग बोलते हैं पढ़ाई की दोनों तरीके से हो जाएगा, आप इंजॉय भी करते रहोगे एकदम मतलब घूम भी रहे हो फिर भी रहे हो इधर पढ़ाई भी कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर मेरे को ऐसा फील होता है कि पढ़ाई करिए एंजॉयमेंट को साइड करके, पढ़ाई एक तपस्या की तरह है, मुझे लगता है सिर्फ आप अंदर गुमनाम होके ही पढ़ सकते हो एकदम ये करके कि बाहर वाली दुनिया से एकदम डिटैच होके। और अब आपका आगे का क्या विचार है, UPSC का आपको कोई विजन नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, जॉब करनी है और एंजॉय करना लाइफ को और बाहर विदेश में घूमना है अब पता नहीं उसमें तो टाइम है अभी, बट ओके UPSC तो नहीं करना है ये कंफर्म है, UPSC नहीं करना है।
और कुछ है एक्स्ट्रा इसके अलावा हॉबी की, यार मेरे को जॉब के बाद खाली टाइम मिल जाएगा जो मिलेगा इसमें, सैटरडे संडे भी ऑफ है, कोई बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं है, जो आप करना चाहती हैं? और कुछ नहीं सर, मेरा जो भी बचपन से, जैसे ही बड़ा हुई तो मैं पढ़ने के लिए आ गई, मेरा सब कुछ बाकी है, मतलब कि कुछ भी नहीं, मैंने नहीं किया एंजॉयमेंट के नाम पे। तो अच्छा, रिजल्ट वाले दिन की फीलिंग कैसी थी? अपने आपको उम्मीद थी कि यार इतनी रैंक आ जाएगी पहले से? वो तो पहले से आपको पता चल गया होगा। हाँ, वो मेरे को पता चल गया था, मतलब ऐसे कोई नहीं थी कि मैं देखा और चिल्लाया विलाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ। मैं मतलब ऐसे होता है क्योंकि आंसर की से आपको पता चल जाता है, एक एवरेज पता चल जाता है कि आपको आप आ जाओगे। तो मेरा 8 या 9 रैंक शो कर रहा था उसमें जब आंसर किया आया था, तो मेरे को पता था कि कितना भी दूर फेंकेगा तो मेरे को लगता है एमईए मेरे को मिल जाएगा। लेकिन ये था कि रिजल्ट वाले दिन थोड़ा ज्यादा मतलब बुरा सिचुएशन मेरे पास आया हुआ था, मेरे फादर को कार्डियक अरेस्ट आया था। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी मतलब वो आईसीयू में एडमिट थे और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे, और मैं आईसीयू से बाहर, मैं और मम्मी मतलब दोनों लोग, हाँ वो काफ़ी ये था। और मेरे दोस्त ने फिर लिखा कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेसन रैंक 19। मैं उसको हाँ सबसे पहले कहा कौन सी पोस्ट मिली मेरे को, तो कह रहा है कि ये एसओई नेम ये मिल गया तुमको ड्रीम पोस्ट। तब मैं अच्छा ठीक है, और मैंने एक दिन तक उस पूरे रात तक फिर मैंने ये देखा भी नहीं पीडीएफ खोल के मैं खुद देख लूं। हाँ, बस क्योंकि हाँ जब सिचुएशन मतलब, ऐसी हाँ, थी वो। मम्मी पापा का आपको कुछ मतलब मेरे लिए तो ऐसे है कि ऐसे होता है ना तो फिर हमें कुछ नहीं दिखता, जो सपना मैं इतने सालों से देख रही थी वो भी फीका पड़ रहा था। मैं तुरंत गार्ड के पास गई, आईसीयू के बाहर जो लग रहे थे, मैं कह रही हूँ मेरे फादर का कल ऑपरेशन है, आप मेरे को बोलने दो कि मैं ऑफिसर बन गई हूँ। तो वो मेरे को दिया नहीं बोलने के लिए, फिर कल होके मैंने बताया कि पापा मैं ऑफिसर बन गई हूँ। तो पापा का क्या रिएक्शन था ये बात सुन के? क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी सपना था आपका ऑफिसर बनते हुए, और उन्होंने इतना किया है सर मेरे को, मतलब मैं फादर के साथ ही अभी रह रही हूँ, मेरी मम्मी अपनी मतलब मेरी छोटी बहन के साथ रहती थी, कि रात रात भर अगर मैं पढ़ती थी, क्योंकि दिन भर तो मेरे को ऑफिस होता था, ये सीजल 2023 की बात मैं कर रही हूँ, दिन भर मेरे को ऑफिस होता था, शाम से आके और फिर सुबह 9 बजे तक ही मेरे को टाइम मिलता था, उसी में मेरे को करना था। और उसमें बहुत सारे ऐसे पागल है क्या जो रात दिन पढ़ा रहा है, उसका ये होगा छोड़ भी सकती है, अब जॉब कर ही रही है तो होता है वो। हाँ। अब मेरे को था नहीं मुझे लेना है ऑफिसरिंग, तो उन्होंने इतना मेरे को किया है। और मतलब मेरे साथ साथ सपना होता है कि मम्मी पापा भी बुनते हैं सपने, उन्होंने अपना लाइफ छोड़ के मेरे, तो मेरे को वो था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं चिल्लाऊंगी बोलूंगी मम्मी पापा मैं ऑफिसर बन गई, लेकिन सिचुएशन एकदम डिफरेंट था। खैर अभी पापा ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं हम भी बहुत खुश हैं। अब जब पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अभी घर पे आ गए हैं वो? हाँ घर पे आ गए हैं। आप अच्छे से एक ट्रिप प्लान करिए उनके साथ और घूमिए और इंजॉय करिए। अच्छा, ऐसी कौन सी 3 टिप्स या सलाह हैं जो नए फ्रेशर बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख के भी मोटिवेट होंगे और एसएससी सीजल की तैयारी करना चाहते हैं, और ये लंबा गेम है, कभी कभी बहुत लंबा भी चल सकता है, इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तैयारी करने वाले भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, और एक बी वाले बच्चे का कंपटीशन NIT वाले से भी है, IIT वाले से भी, BTech से भी है, एक बिहार के बच्चे का कंपटीशन प्रॉपर जो दिल्ली के टॉप स्कूल से पढ़ा है जिसकी इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा गैप है उससे भी कंपटीशन है। ऐसे बच्चों को क्या सलाह दोगे कि कम से कम तैयारी करते समय इन 3 चीज़ों का तो ध्यान रखें ही रखें? मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि जो हम टाइमिंग देते हैं अपने पढ़ाई पे या हार्ड वर्क जो हम कहते हैं कि करते हैं, हम 7 घंटे पढ़ रहे हैं 8 घंटे पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ टाइमिंग के अकॉर्डिंग, मतलब आप दूसरों को और खुद को संतुष्ट करने के लिए मत करो, 110% ऑनेस्टी के साथ करो कि जब आप रात को सो ना तो पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ कि यार मैंने पढ़ा है। हाँ, मैंने दिल से जब तक आप रात को सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं सो रहे इसका मतलब आपने चीटिंग करी दिन में पढ़ाई करने में। हाँ, दूसरा तो मैं ये देना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी इतना ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप, और वैसे लोगों को तो मैं जरूर देना चाहती हूँ जो घर से जैसे बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल लेते हैं या फिर थोड़ा बाहर दिल्ली या पटना में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप बाहर तो आते हो एकदम बड़े बड़े सपने लेके मम्मी पापा का कि मुझे ये बनना है ये बनना है, 1-2 महीने रहते रहते क्योंकि हम नए नए सिटी में मतलब आते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, शाम को घूमना वहाँ नए चीज़ है ये वो दोस्त बनाना ये वो करना, उसमें थोड़ा याद रखो कि मैं किसके लिए आई हूँ, कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, मैं पढ़ने के लिए मैं पढ़ लूँगा फिर करते रहूँगा, जैसे मतलब वो नहीं होना है हाँ कि नहीं। और वैसे लोगों को तो मैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे सोचते हैं मन में कि मैं पढ़ाई भी कर लूं और लाइफ एकदम एंजॉयमेंट से भी जी लूं, बिल्कुल नहीं, पढ़ाई टोटली लाइक तपस्या, तपस्या जैसा है तो आपको तपस्या जैसा जीवन जीना ही पड़ेगा। और थर्ड मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे टारगेट करके आते हैं, टारगेट करना मन में बहुत सही है कि मैं 1 साल में कर लूंगा मैं सीजल, जैसे कुछ लोग हैं सीजल 2024 मैं ये निकाल लूंगा, ये बहुत अच्छी सोच है, पर इस पर अड़ जाना
या तो ये निकलेगा नहीं तो मैं खत्म कर लूंगा या फिर नहीं तो फिर नहीं दूंगा, नहीं। अगर आपने सपना देखा है तो उसके लिए 10 बार भी हारना पड़े ना, तो उसको हारने के लिए तैयार रहो कि कोई बात नहीं, मैं हार रहा हूँ, कोई बात नहीं, हार जाऊंगा लेकिन फिर मैं लास्ट में जीतूंगा, एंडिंग मेरी अच्छी होगी। जैसे मैंने खुद भी बताया कि मेरा MTS 3-3 बार नहीं हुआ, CHSL 3 बार नहीं हुआ, और मेरा CGL फर्स्ट टाइम में निकल गया था। तो उसके लिए आप तैयार हो, इतना बार फेल हुआ, जितना आसान लग रहा है ऐसे बोलना वो होता नहीं है। रिजल्ट आ रहा है, आप 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह जाती थी, 2 नंबर से रह जाती थी, तो उस टाइम में खुद को संभालना, वही क्रिटिकल टाइम में आपको खुद को संभालना है कि नहीं, ये नहीं कि छोड़ देता हूँ, ये कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, उसी टाइम में खुद को संजो के रखो और जरूर पाओगे, इसमें कोई ये नहीं है। ये बहुत अच्छी बात की आपने कि 3 बार जैसे आपका MTS नहीं हुआ, अगर कोई बच्चा तो अपने आप को इस बात से डिमोटिवेट भी कर सकता है कि यार मेरा MTS भी 3 बार से नहीं हुआ है लगातार, तो मैं करूं कि नहीं करूं, मैं कुछ और कर लेता हूं, जबकि आपका CGL फर्स्ट टाइम पे ही हो गया और आपकी फिर CGL 2023 में ऑल इंडिया रैंक 19 भी आई। तो जो आपको लगातार असफलताएं मिल रही है ना, आपका एग्जाम में नहीं हो रहा, आप एक एक दो दो नंबर से रह जा रहे हो या बड़े मार्जिन से भी रह जा रहे हो स्टार्टिंग में, उससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप लगातार पढ़ते रहो तो SSC एक ऐसी चीज़ है जो आपको एंड में अच्छा ही रिजल्ट दे के जाएगी और आप सेल्फ सेटिस्फाइड भी रहोगे और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। लेकिन आप ऐसा सोचो कि जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं आए और कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए और 3 महीने में हो जाए, 3 महीने में तो SSC अपना फाइनल रिजल्ट भी नहीं निकालती है, तो आप 3 महीने में पढ़ के सिलेक्शन कैसे लोगे? कम से कम आप बहुत अच्छे हैं स्टार्टिंग से पढ़ाई में तो 1 साल, और बहुत वीक बैकग्राउंड से हैं कि मतलब आपने इंग्लिश मैथ सब कुछ ही आपका कमजोर है, तो कम से कम 2 साल का समय आप मान के रखिए और आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो है कंपटीशन का एग्ज़ाम ज़रूर नहीं। तो बहुत अच्छा लगा ये कन्वर्सेशन करके, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आशीष सिंह से, जो इनकी बातें हैं कि जब पढ़ाई करो तो केवल पढ़ाई करो, बेवजह का एंजॉय मत करो। हाँ, एंजॉय आगे क्या करना है सिलेक्ट होने के बाद, उसके छोटे छोटे सपने बनाते रहो, जैसे मैम का था, मैम को पार्लर भी जाना है, विदेश भी जाना है और काफ़ी कुछ करना है। बहुत अच्छा लगा।